हाय, दिस इज जिग्ना फ्रॉम टू टू केक. तो लेट अस स्टार्ट विद द केक. 6 इंच का टिन यूज किया है मैंने. ये 6 इंच का नॉर्मल एल्यूमिनियम टिन है. ओके, इसमें मैंने स्पॉन्ज बेक किया है. स्पॉन्ज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैंने हाइट देनी है केक को, तो स्पॉन्ज का क्वांटिटी ज़्यादा रखा है मैंने. जो टॉप पोर्शन है इसे हम कट करके निकाल देंगे एज वी डोंट नीड इट. ये जो पोर्शन होता है ड्राई होता है, ये नहीं चाहिए होता है. जब हम सोकिंग करते हैं केक का तो वो सोकिंग नहीं हो पाता है. नाउ इसमें से हम 4 लेयर्स निकालेंगे ताकि केक को थोड़ा सा हाइट मिलेगा. यू कैन इवन वर्क विथ 3 लेयर्स, बट 3 लेयर्स फिर काफ़ी मोटे मोटे लेयर्स हो जाते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्रेड कटिंग नाइफ हम लेयर्स कट करेंगे. दिस इज लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2. ओके, ये लेयर नंबर 2 कट हुआ. नाउ यहाँ से निकलेगा लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4. ओके, अगर आपको ऐसे नाइफ से डायरेक्टली कट करने नहीं जमता है तो आप थ्रेड से भी कट कर सकते हो. हमने थ्रेड से कैसे कट करते हैं ये हमारे काफ़ी सारे प्रीवियस लाइव सेशन में दिखाया है. ओके, यू कैन इवन यूज़ थ्रेड फॉर कटिंग द लेयर्स, क्योंकि नाइफ से जब कट करते हैं तो उसके लिए हाथ काफ़ी प्रिसाइज होना ज़रूरी होता है. एक ओवर द ईयर प्रैक्टिस के साथ वो आता है. बट आप अगर इनिशियल बेकर हो, आप नए नए बेकिंग सीख रहे हो, तो आप नाइफ से ना कट करके थ्रेड से भी कट कर सकते हो. काफ़ी इजी प्रोसेस है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ प्लेन वाटर हम स्पॉन्ज को सोक करेंगे. यू कैन इवन यूज़ शुगर सिरप. अगर आपको शुगर सिरप पसंद है तो आप शुगर सिरप ऐड कीजिए. मुझे प्लेन वाटर ही पसंद आता है, तो आई प्रेफर यूजिंग प्लेन वाटर. नाउ सोकिंग के बाद हम क्रीम ऐड करेंगे. क्रीम हैज़ टू बी वेरी स्टिफ. आप जब भी क्रीम बीट करते हो, क्रीम स्टिफ होनी चाहिए. अगर ये क्रीम इतनी स्टिफ नहीं है तो आपका जो केक का आइसिंग है वो परफेक्ट नहीं बैठेगा. जो आपको डिज़ाइनिंग सेक्शन आप एंड रिजल्ट डिज़ायर करते हो वो नहीं आएगा. सो मेक श्योर क्रीम बीट करते टाइम काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के फिर आप क्रीम बीट कीजिएगा. यू कैन यूज़ एनी ब्रांड. आप किसी भी ब्रांड का क्रीम यूज़ कर सकते हो. क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर हो तो इंडिया से बाहर ज़्यादातर डेरी व्हिपिंग क्रीम मिलती है, और अगर आप इंडिया के अंदर हो तो इंडिया में डेरी व्हिपिंग क्रीम भी मिलती है, नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम भी मिलती है, बट ज़्यादातर नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ होती है. ओके, साइड एजिस से क्रीम निकाल लेनी है एंड उसे फ्लैट कर लेना है. ओके, नाउ आई विल बी एडिंग स्ट्रॉबेरी क्रश. ओके, और स्पून ऑफ क्रश, ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्रश, एंड स्प्रेड कर देना है. अब तो स्ट्रॉबेरी सीजन में है नहीं, बट अगर स्ट्रॉबेरी सीजन में अवेलेबल होती है तो आप क्रश लगाने के बाद स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसीस भी ऐड कर सकते हो टू गिव एडिशनल फ्लेवर टू योर केक. ओके, अब स्टैकिंग करेंगे. स्टैकिंग के साथ ही सबसे पहले जो है हम साइड एजिस है उनको सील कर लेंगे. ओके, अगेन हम साइड वॉल्स को सील कर लेंगे. ओके, अगेन हमने क्रश लगाया है. नाउ फाइनल लेयर का स्टैकिंग, एंड अगेन जो साइड गैप्स है उनको सील कर लेंगे.
ओके, अगेन विद द हेल्प ऑफ प्लेन वाटर केक को सोक करेंगे। सोकिंग हर लेवल पे कंपलसरी होता है, सो डोंट फॉरगेट इट, भूलना नहीं है सोकिंग वाला लेयर। इनिशियल लेवल पर जब आप पहला दूसरा केक बनाते हो, नर्वस रहते हो, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, तो उस चक्कर में काफ़ी बार एक आध दो स्टेप मिस हो जाता है, सो डोंट डू दैट। जब भी आप केक बनाओ, कीप योर माइंड काम, अच्छे से शांत होके सब काम फ्री करके फिर केक बनाने बैठिए, तो आपका केक का एंड रिजल्ट है वो बहुत सुंदर आएगा एंड आप कुछ भी नहीं भूलोगे। ओके, एंड स्प्रेड द क्रीम। ओके, ये हमने केक का क्रम कोटिंग किया, दिस इज द क्रम कोटिंग ऑफ द केक, जिसमें से आपको केक अंदर से पूरी तरह दिख रही है बट इट इज़ कवर्ड विथ क्रीम। क्रम कोटिंग हर केक के लिए कंपलसरी हो जाता है। क्रम कोटिंग होने के बाद आपको केक को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में डालना है टू सेट, और उसके बाद उसका फाइनल कोटिंग करना है। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्लाइमेट कंट्रोल है और मैं इस तरह वापस 10 मिनट डाल के फिर बाहर निकाल के बहुत लंबा लाइव सेशन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसके ऊपर डेकोरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर साइड वॉल्स को अच्छे से फ्लैट कर लेना है, सो दैट आपका केक जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा। वेरी लाइट प्रेशर। ओके, नाउ ये हमने केक को शार्प एजेस दे दिए है। नाउ ये पैलेट, ऐसे पैलेट नाइव्स मिलते हैं मार्केट में, नंबरिंग के साथ होते हैं, पूरा सेट आता है 5 पैलेट्स का, तो ऐसे मैं इसमें से सबसे बड़ा वाला पैलेट यूज़ करूँगी। सेंटर से विल स्टार्ट एंड स्लोली स्लोली बाहर जाते जाना है। नाउ ये सेम पैलेट नाइफ मैं यहाँ साइड वॉल्स पे पकड़ रही हूँ एंड स्लोली स्लोली नाइफ को नीचे लेके आना, केक को रोटेट करते रहना है। ओके, एनी टाइम जब भी आपको केक पे क्रीम कम चाहिए, काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि क्रीम नहीं पसंद आता है, कम क्रीम वाला केक चाहिए, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको ये प्रोसेस तो पूरा करना है, सिर्फ जो नोज़ल वर्क है वो कम कर देना है। जहाँ पे आपने नोज़ल बहुत सारे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, केक आपका जो है वो एक्सट्रीम क्रीमी बनेगा ही बनेगा, सो ऑलवेज मेक श्योर अंदर क्रीम कम करने से बजाय आप बाहर का डेकोरेशन प्रोसेस नोज़ल वाला कम कर दो। Now I'll be using this golden drip. Now ये ऐसे रेडीमेड गोल्डन ड्रिप्स मिलती है मार्केट में, ओके, इसके ऊपर नोजल भी रहता है, आप डायरेक्टली बॉटल से भी ड्रिप्स बना सकते हो, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, तो मैं जो ये ड्रिप है ये पाइपिंग बैग में भर के यूज़ करती हूँ। नाउ ये मैंने गोल्डन ड्रिप जो है वो पाइपिंग बैग में फिल किया है एंड पाइपिंग बैग को कट करेंगे। ऑलवेज ड्रिप्स एंड ग्लेजेस जब यूज़ करते हैं तो उसमें नोज़ल नहीं यूज़ करते। ओके,
कि ये हम इसे हाफ केक पे ट्रिप बना रहे हैं, फुल केक पे नहीं जाऊंगी मैं। ओके, नाउ आई विल बी यूजिंग नंबर 13 नोजल, नूर का नंबर 13 नोजल यूज़ कर रही हूँ। यू कैन इवन यूज़ 1 एम भी यूज़ कर सकते हो और 13 भी यूज़ कर सकते हो। अगर 1 एम यूज़ करेंगे तो डिज़ाइन थोड़ी बड़ी बनेगी, 13 यूज़ करोगे तो डिज़ाइन थोड़ी छोटी बनेगी। नाउ आई विल बी यूजिंग टू कलर्स, गोल्डन येलो एंड पिंक, ये दो कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके, मैंने पिंक एंड येलो दोनों ऐड किया है पाइपिंग बैग में। आई विल बी फिलिंग द क्रीम दैट वी मेड। दिस इज नंबर 13 नोजल, नूर का नंबर 13 नोजल यूज कर रही हूँ मैं। ओके, ओके, नाउ पाइपिंग बैग में विदाउट एनी नोजल आई बी एडिंग क्रीम एंड ग्रीन कलर। दिस इज नियॉन ग्रीन कलर। ओके, नाउ आई बी मेकिंग लीव्स, तो मैं डायरेक्टली पाइपिंग बैग को ही कट करूँगी। दिस टेक्निक आई हैव शोन यू सो मैनी टाइम्स, अभी आपको याद होना चाहिए लीव्स बनाने के लिए पाइपिंग बैग को कैसे कट करना है। एडिबल शुगर बॉल्स, कमेंट करना है वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर एनी वर्कशॉप डिटेल क्वेरी, आपको कोई भी ऑनलाइन वर्कशॉप चाहिए तो यू कैन जस्ट पिंग अस ऑन 7276833139, आपको डिटेल्स आ जाएगी। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर।